अभी भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी जो भारत की पार्टीशन है रिलीजियस लाइंस पे वो एक बहुत बड़ी गलती थी। इससे क्या मुराद है? वो 1947 के केस को क्या अंडू करना चाहते हैं? भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और वो देख रहा था कि होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, 2016 में मारा था। अब राजनाथ सिंह, जो भारत की पार्टीशन है रिलीजियस लाइंस पे वो एक बहुत बड़ी गलती थी। इससे क्या मुराद है? वो 1947 के केस को क्या अंडू करना चाहते हैं? इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी। और डिफेंस मिनिस्टर ये एक इनॉगरल फंक्शन जो थी उस पे ये कह रहे थे, जिसमें वो क्योंकि 1971 को वो समझ गए इंडिया की विक्ट्री है, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जबकि पाकिस्तानी बार बार ये कह रहे हैं भाई कि ये जो चीज है ये भारत ने दरअंदाजी की हमारे जो इंटरनल अफेयर्स में। सो ये किस तरह आप जो है वो भारत की विक्ट्री कहेंगे, अगर आप किसी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क के अंदर जाके वहां पे किसी नॉन स्टेट एक्टर को बनाते हैं, फंड करते हैं, पैसा देते हैं, तो ये कैसे आप होगा? सो आप ये इंडो बांग्लादेश ताल्लुकात तो आप बनाए, ठीक है जो हुआ, लेकिन इस चीज को कहते हुए वो जो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो तासुर ऑब्वियसली उसकी बड़ी वर्थ है और वैल्यू है कि भारत आज भी उसी लेंस से चीजों को देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान से मजाल है? कभी पाकिस्तान के किसी जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कभी कोई डिस्कस किया हो, या उन्होंने कभी इस मसले के ऊपर बात की हो, या उन्होंने ये कहा हो कि हाँ भाई क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? तो ये चीजें जो हैं इसमें बड़ी वैल्यू है, और इसको अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कभी कुछ नहीं बोला, वो इतनी खामोशी इख्तियार करते हैं, इतनी अपने आप को साइलेंट रखते हैं इन मामलात में जितना वो रख सकते हैं, और फॉरेन ऑफिस जो है वो बयान देता रहता है, वो बोलता रहता है और कहता रहता है कि भाई क्या चीजों को किस तरह देखना है या किस तरह आगे मुस्तकबिल में लेके चलना है। सो ये जो चीजें हैं इसमें पाकिस्तान के से जो साइलेंस है कि हमारा जो यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बात नहीं करता, इसकी क्या रीजन है? और सिर्फ फॉरेन ऑफिस क्यों जवाब देता है? यहाँ ये कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हमने नहीं बोलना है इसमें, ये एक क्योंकि भारत के रिलेटेड मसला है तो सिर्फ वजीर आजम बोलेंगे। और ऊपर से अब देखें कि जो वजीर आजम की स्टेटमेंट आ रही है इमरान खान की, वो भी ये आ रही है कि हम भारत से बात नहीं करना चाह रहे। इंडियंस भी कह रहे हैं भारत हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाह रहे। मैं देख रहा था कि अमित शाह कहते हैं कि हम पाकिस्तान से क्यों बात करें, हम तो फिर कश्मीरियों से बात कर लेंगे अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो, जो स्टेक होल्डर हैं जो वो कहते हैं जिनसे बात करनी चाहिए। सो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी आप समझ रहे हैं कि गड़बड़ है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंप्लीट साइलेंस है इसके ऊपर। मैं कल ही एक आर्टिकल देख रहा था जिस आर्टिकल में बेसिकली जो द इकोनॉमिस्ट में था, जिसमें एक बड़े प्रोफेसर हैं अमेरिका के जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री एक आर्टिकल लिखा था, फ्रांसिस फोकुयामा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है वो एक विद द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल जो है फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स जो है टिल 2008-9 जब तक इकोनॉमिक कोलैप्स, जब तक इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं हुआ, या इकोनॉमिक उसको कह लें आप इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका जो धचका नहीं लगा, इकोनॉमिक रिसेशन जो जिसका वर्ड होना चाहिए, उस इकोनॉमिक रिसेशन तक एक अनडिस्प्यूटेड इन्फ्लुएंशियल पार्टनर पावर प्लेयर रहा है। उसके बाद अमेरिका की वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। अब ये जो चीज है दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू के भाई आइंदा आने वाले दिनों में 2009 ऑनवर्ड अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। उसकी वजूहात वो और बताते हैं, उनकी एक्सपेंशनिज्म एंड ऑल दैट दो वर्ड्स, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भारत जैसे ममालिक थे जिनके बायलैटरल मसाइल चल रहे थे कश्मीर के ऊपर हो, या जिसे आप कह लें कि उनके जो पिछले 75 साल के इश्यूज थे, अनफिनिश बिजनेस है, वो जो है वो वहीं के वहीं रह गए हैं। और साथ में क्या हुआ है कि देर इज अ फॉल ऑफ डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द ईस्ट, जिसमें इंडिया ऑब्वियसली मेन प्लेयर है इन द राइज। अब इंडिया को ये एडवांटेज हुआ और इंडिया की ये ताकत हो गई है कि वो किसी बड़े प्लेयर को प्लेयर मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, वी डू नॉट नीड चाइनीज, वी डू नॉट नीड अमेरिकन, हाउ कैन द ब्रिटिश
the French can ask us to push India and Pakistan together. Gone are the days we will listen to America. और याद होगा कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं मीडिएशन कराता हूं, तो भारत की सरकार ने कहा नहीं, हमें हमने ना तो कहा है ना हम कहेंगे, और भारत की पार्लियामेंट में बड़ा ये शोर मचा इस हवाले से. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें जो है वो बड़ी जैसे आप कह रहे ना कि डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और उसमें भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. और वो देख रहा था कि होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, 2016 में मारा था. अब ये तो पता चलता है कि इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं. जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो कहा जाता है कि वो कहते हैं ना, एक टर्म बोली जाती है कि बॉर्डर पे तनाव है, चेक करो क्या देश में भी जो है वो चुनाव है, इस तरह का एक शेर बना हुआ है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग. लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो है दे बाय द थ्योरी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नेंस स्टाइल. अब राजनाथ सिंह, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज बेसिकली अ ट्रॉयका. ये जो ट्रॉयका है ये बेसिकली दैट इज रनिंग द एंटायर इंडिया एंड दैट इज फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी. और ये वो कहते हैं कि हमें अंडू करना है पास्ट को, और वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुई थी आइंदा भी हो सकती है. अब इसके हवाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं या जो पाकिस्तान की सरकार है उसको देखें तो उन्होंने मुंह पे जो है वो उंगली रखी हुई है, वो कह रहे हैं हमने बोलना ही नहीं है. हमारे जो क्या नाम है डिफेंस मिनिस्टर साहब है बेचारे, वो बस नाम के डिफेंस मिनिस्टर, सिर्फ पोर्टफोलियो पास है. करना क्या है, पता क्या है, क्या कुछ पता नहीं. मुझे नहीं याद, मैंने नहीं कभी देखा डिफेंस मिनिस्टर को कभी कुछ स्टेटमेंट देते हुए. जब मुझे याद है कि अभिनंदन का जहाज गिरा तो फॉरेन ऑफिस के गिराया जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो क्या उसे बोलते पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो हमारे दोस्त ही हैं बड़े अच्छे मतीन हैदर साहब, उन्होंने बड़ा सख्त सा सवाल कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को, पता नहीं था जवाब मैंने क्या देना है. तो देन कुरैशी साहब ने माइक ले लिया कि हाँ मैं आ गया हूँ, क्योंकि वो डिफेंस का मसला था, तो उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर बैठा ले. सो नॉर्मली क्या होता है कि वो अभी फिर क्या होता है कि अभी डिफेंस मिनिस्टर की जगह आई थिंक DGISPR बैठते हैं और उधर से फॉरेन मिनिस्टर बैठ जाते हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को ना अलग बेदा पता कोई नहीं, बेचारे शरीफ आदमी है वो और वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एंगेज रहते हैं, इधर की उधर की कर, उधर की इधर मार. सो वो ना तो आइडियोलॉजिकली बड़े रिच हैं, ना पॉलिटिकल, ना चीजों को बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान को समझते हैं. उनको सिर्फ पोर्टफोलियो दे दिया गया है कि चलो यार ठीक है तो डिफेंस मिनिस्टर है. और पाकिस्तान में सारी बात है, यहाँ पे सिविल मिलिट्री, इधर वज़ीरे आज़म के लिए मसले रहते हैं पावर को एंजॉय करने में, ग्रैब करने के लिए. डिफेंस मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है. सो ये जो पॉइंट है कि हमारा शेख रशीद क्यों नहीं बोलते, और जब शेख रशीद बोलेंगे तो वो किस पे बोलेंगे, वो सीधे ही न्यूक्लियर वेपन, सीधी एटमी हथियार की गल शुरू कर दें. मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद के अलावा, क्योंकि शेख रशीद आपको पता लाडले हैं हर तमाम क्वार्टर्स के, तो इसलिए शेख रशीद के अलावा तो पाकिस्तान में कोई ज्यादातर नहीं बोलता. और अगर बोलेंगे भी तो उसकी जारी बात है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक और बात नहीं करनी चाहिए. डो नॉट ब्रिंग न्यूक्लियर इन एवरीथिंग. अब यहां पे आके हमें इस चीज को देखना है, वी हैव टू ऑब्जर्व कि इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर आता नहीं है. डोमेस्टिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे, ही इज ऑल पावरफुल. डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर उनके हाथ के हैं. मजहब कार्ड वो अपना टका के इस्तेमाल कर रहे हैं. मीडिया उनके जो है वो कंप्लीट उनका साथ दे रहा है.